मतलब इतनी निहायत ही बेकार गाड़ी है ये कि अब क्या ही कहा जाए। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हमारे साथ राइडर 125। और आज भाई ये वाला जो वीडियो है ना, इतना तगड़ा होगा ना कि आपकी आंखें खुल जाएंगी, कि आपको मैं बताने वाला हूँ इतने भयंकर रीजन कि आपको ये वाली जो गाड़ी है ना भाई, बिल्कुल नहीं खरीदनी। वो क्यों बताता हूँ आपको। अभी मजा आएगा ना। ये इसका जो पहला जो कारण है, सबसे जो मेन कारण है, वो है इसके लुक्स। अच्छा ये थोड़ी सी इस तरह की गाड़ी भाई दिखती है ना कि लोग पूछने लगते हैं आपको, बार बार रोकेंगे आपसे, पूछेंगे कि भैया ये कौन सी गाड़ी है। तो मुझे लगता है ना 125 सीसी जो लोग लेते हैं ना, तो उनको ज़्यादा डिस्टर्बेंस होने लगेगी। तो लुक्स के मामले में ये गाड़ी बहुत ही बेकार है, निहायती बेकार गाड़ी है, आपको नहीं खरीदनी चाहिए, समझ रहे हो। नहीं तो चार लोग आपसे पूछेंगे, आप बार बार डिस्टर्ब होगे, है ना, हर कोई रोकता है, तो टेंशन वाली बात हो जाती है। अरे कहना क्या चाहते हो। और दूसरा मेजर कारण है भैया इसका डिस्प्ले। अब डिस्प्ले में देखो, पहली चीज तो ये कलरफुल है ना, कलरफुल देखे देखे आपकी आंखें भी खराब हो सकती है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं। गियर पोजीशन इंडिकेटर है इसमें, माइलेज वाइलेज बताता है, टैंक टू एम्प्टी बताता है, ये सारी चीज़ें भैया क्या करोगे, ठीक है। और दूसरी चीज़, इसमें मोड़े और सेट करे का भी बटन है ना, ये भी टेंशन दे देता है। अब मोड़े और सेट बटन का आप क्या करोगे, गाड़ी चलते चलते अगर आप मोड़े बटन दबा, आपको मोड़ने का मन नहीं है, आपने मोड़े बटन दबा दिया, गाड़ी मुड़ गई, टेंशन हो जाएगी ना। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। तो इसलिए जो बेसिक गाड़ियां आती हैं 125 सीसी में, वो ज़्यादा सही रहती है, इसलिए भी आपको ये गाड़ी अवॉइड करनी चाहिए। भैया तीसरा कारण आपको बताता हूँ, इसको स्टार्ट करना पड़ेगा तीसरे कारण जानने के लिए। तो इसको स्टार्ट कर दिया। अब देखो स्टार्ट करने में आवाज़ नहीं आती है, तो आपको समझ में नहीं आएगा कब स्टार्ट हो गई, ये भी एक प्रॉब्लम है इसमें, है ना। इसके बाद जो इसका साउंड है, तो साउंड भैया इस तरह का ये गाड़ी करती है कि लगता ही नहीं है कि 125 सीसी है, फीलिंग आने लगती है। आवाज़ इसकी जो है ना 150 या 160 सीसी वाली गाड़ी की जो आवाज़ होती है वैसी आती है। तो इससे क्या है ना, इससे ध्वनि प्रदूषण भी हो सकता है, ये भी आपको टेंशन दे ही हो सकता है, शायद चलान वलान कट जाए, इसलिए भी आपको ये वाली जो गाड़ी है ना अवॉइड करनी चाहिए भाई। बहुत टेंशन देती है, बहुत आवाज़ करती है, है ना। साउंड वाउंड सुन के आदमी फिर पूछने लगेगा कि भैया कौन सी गाड़ी है, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो भैया जो चौथा सबसे बड़ा कारण है इस गाड़ी का ना लेने का, वो मैं बताता हूँ, वो है इसके सस्पेंशन। अब आगे का तो भैया देखो दिख रहा है, अब पीछे जब चले जाओगे तो पीछे वाला नहीं दिखता है। तो अब गांव वाँव में लोग पूछने लगते हैं, भैया पाछे वाला जो है सॉकर कहाँ गए। तो समस्या हो जाती है, अब उनको भी बताने बताने में यार देखो एक दो मिनट का तो टाइम लॉस हो ही जाता है। अच्छा इसके बाद जो इसकी सीट आती है, तो हमने सोचा था कि इसमें अपने जो बुजुर्ग लोग हैं उनको बैठाएंगे, लेकिन सस्पेंशन जो है ऐसे हो जाते हैं कि थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही कंफर्टेबल हो जाता है, तो फिर लगता है कि क्या ही करना है। तो इस वजह से भी आपको ये गाड़ी नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि सस्पेंशन भैया इतने जो है बढ़िया है, तो क्या ही करोगे इतने अच्छे सस्पेंशन का। अब भैया मैं आपको बताता हूँ पाँचवा कारण जिसकी वजह से आपको ये मोटरसाइकिल नहीं लेनी चाहिए, वो है इसका इंजन। तो भैया इंजन देखो 125 सीसी का है, अब हमें आदत हो चुकी है कि 125 सीसी का इंजन जो होता है ना, वो थोड़ा धीरे धीरे ही चलता है, ज़्यादा कुछ खास नहीं चलता है। और इसमें दे दिए हैं भैया कंपनी ने 5 गियर, वो भी इस तरह का स्पोर्ट्स नेचर वाला, तो आपका पैर वैर भी देखो इसमें फंस सकता है, टेंशन हो जाती है, गिर उड़ सकते हो है ना। और भागती भी ये लगभग 115-115 तो चली जाती है आराम से। अब पिकअप भाई बहुत तगड़ा है, तो मान लो अगर किसी को अगर पीछे उछे बैठाया, आपने एकदम से खींच दिया, वो गिर गुरा गया भाई, केस ओस भी हो सकता है, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो इसलिए भी आपको ये वाली जो गाड़ी है ना अवॉइड करनी चाहिए भाई, इतना पावर का आपका क्या करोगे, क्योंकि हमको तो आदत ही नहीं है इतनी पावर चलाने की गाड़ी। और समझो इसका जो छठवां रीजन है, वो है भैया इसका माइलेज। अब गाड़ी तो बहुत अच्छी है, ठीक है, अब इतनी अच्छी है कि देखो पावर भी दे रही है, परफॉर्मेंस भी दे रही है, सब चीज़ है। हमको इतना टेंशन देने के बाद, मतलब ये पावर और परफॉर्मेंस देने के बाद, समस्या एक और आ जाती है कि ये माइलेज इतना ज़्यादा दे देती है ना, कि हमें विश्वास ही नहीं होता है कि भैया 62-62 माइलेज निकाल देगी, 60-62 इतना ज़्यादा माइलेज का हम क्या करेंगे बताओ, है ना। हमें तो आदत है कि 50-45 दे दे चलाने में हमारे हिसाब से, लेकिन ये 60-60 दे देती है दो लोग को बैठाने के बाद। तो अब भाई इतना पैसा अगर बच जाएगा तो हमें वो भी टेंशन हो जाएगी, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। तो इसलिए भी आपको ये गाड़ी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि माइलेज इतना देगी, किसी को बताएंगे चार लोग के सामने, वो आपकी मजाक उड़ाने लगेगा, खिल्ली उड़ा लेगा कि भैया इतना माइलेज दे ही नहीं सकती है इसलिए भी आपको ये गाड़ी नहीं खरीदनी चाहिए भैया। तो भैया आप देख ही लिए हो, आप इसमें इतनी बुराइयां, इतनी कमियां हैं जो अभी आप लोगों को मैंने बताई हैं,
तो भाई इतनी कमी होने के बाद अब इसमें कोई अच्छाइयाँ है ही नहीं इस गाड़ी में। मतलब मैं आपको एक भी खरीदने का एक रीज़न नहीं बता सकता हूँ कि आप लोग इसको खरीदो। मतलब इतनी निहायती बेकार गाड़ी है ये कि अब क्या ही कहा जाए। तो अब ये वाला वीडियो जो है यहीं पर समाप्त करते हैं, और आप लोगों को अगर ये वाला वीडियो जो है ना पसंद आए तो कमेंट में अपने जो है ना परामर्श जरूर दीजिएगा नीचे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और बताई गई जानकारी आप लोगों को कैसी लगी। धन्यवाद, फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।